दिल्ली की 30,000 कोर्ट के बाहर पुलिस और वकीलों के बीच हुई हिंसा का मामला बढ़ता जा रहा है। वकीलों के हाथों पिटाई से नाराज दिल्ली पुलिस के जवान आज खुद अपने ही मुख्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। आईटीओ पर पुलिस मुख्यालय के सामने दिल्ली पुलिस के जवानों ने कई घंटों तक वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार के लोग भी धरने में शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शनकारी जवानों को समझाने की कोशिश की और काम पर लौटने की अपील की। जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा के भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं। पुलिस कमिश्नर की इस अपील के बावजूद पुलिस के जवान धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मी एक और जहां अपने लिए सुरक्षा की मांग करते नजर आए, तो साथ ही 30,000 कोर्ट और साकेत कोर्ट में पुलिस कर्मियों की पिटाई करने वाले वकीलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। कोई भी आता है झगड़ा करके चला जाता है, पुलिस को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। वर्दी को चुन चुन के मारा जा रहा है और केवल हम यूनिटी हम नहीं कर सकते, इसी वजह से तो ये सब कुछ करा जा रहा है। जब लॉ है, कानून है, सबके लिए बराबर है, लेकिन सिर्फ जो कानून को रखवाले हैं, कानून का ही काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून नहीं है। हमारे ऑफिसर्स को और कोर्ट को देखना होगा कि हमें इक्वल जस्टिस मिले। पुलिस कर्मियों की मांग है कि 30,000 कोर्ट और साकेत कोर्ट में पुलिस कर्मियों की पिटाई करने वाले वकीलों की गिरफ्तारी हो और सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मियों का सस्पेंशन वापस हो। मामला ज्यादा बड़ा तो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों की मांगों पर अमल का भरोसा दिया। अगर आपको मुझ में विश्वास है, अपने सीनियर ऑफिसर्स में विश्वास है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो आपकी हैं उसको बिल्कुल माना जाएगा। जो हमारे घायल साथी हैं उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वो किया जाएगा, और पुलिस वालों की जो कंप्लेंट है उन पे FIR की जाए, उन पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए। उधर अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कूद चुका है। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। गृह मंत्रालय के हाई कोर्ट में याचिका डालकर रविवार को उसके आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की है। गृह मंत्रालय ने आदेश में संशोधन की मांग की है कि 2 नवंबर के बाद की घटनाओं पर ये आदेश लागू न हो। इस पर हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन को नोटिस भेजा है, जिस पर बुधवार दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।